Assalamu alaikum dear students, in this video I am going to show you the procedure to draw a buttress thread. Before going further, let me remind you, while drawing a buttress thread, we always take two things into consideration. One is the depth of the thread and the other is the angle of the thread. The depth of the thread, in case of buttress thread, it is always equal to the pitch, while the angle in case of buttress thread, it is equal to 45 degrees. For example, I am taking pitch as 40 mm. That means I have to take depth also as 40 mm. I will start with a 4H pencil. मैं 4H pencil से एक horizontal line डालूँगा. ऐसे. इस thread की depth मुझे already पता है, जो कि 40 mm है. मैं यहां से एक वर्टिकल लाइन डालूंगा जो इस थ्रेड की डेप्थ के बराबर होगी, दैट इज 40 mm. ऐसे. इसके बाद इस पॉइंट से भी मैं एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा, लाइक दिस. उसके बाद इस पॉइंट से मैं आप पिच डिस्टेंसेस मार्क करूंगा. मेरा पीछे 40 mm, इस पॉइंट से मैं देखूंगा यहां पे 40 mm कहां पे आता है, और जहां पे आएगा वहां पे मैं पॉइंट मार्क करूंगा. ऐसे यहां से भी पिच डिस्टेंस मार्क करूंगा, और यहां से भी जहां जहां पे मैंने ये पॉइंट्स मार्क किए वहां से मैं वर्टिकल लाइंस ड्रॉ करूंगा, लाइक दिस. यहां तक ठीक है. इसके बाद ये पॉइंट और ये पॉइंट मैं ज्वाइन करूंगा, ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी मैं ज्वाइन करूंगा, सेम ये पॉइंट और ये वाला पॉइंट भी मैं ज्वाइन करूंगा. यहां तक ठीक है. इसके बाद यहां से और इस वाले पॉइंट से मैं दो हॉरिजॉन्टल लाइंस पास करूंगा जिनकी डिस्टेंस होनी चाहिए 0.125 पिच का मैं अपना वैल्यू दूंगा 40, इट विल कम आउट टू बी 5 mm. यहां से मैं 5 mm नीचे उतरूंगा, वहां से एक हॉरिजॉन्टल लाइन डालूंगा ऐसे, यहां से मैं 5 mm ऊपर जाऊंगा, हॉरिजॉन्टल लाइन एक डालूंगा, लाइक दिस. इसके बाद अब मैं एच पेंसिल यूज करूंगा. एच पेंसिल से जो इन दो लाइंस के बीच में जितना भी सरफेस होगा उसको मैं डार्क करूंगा ऐसे. इस वाली लाइन को भी ऐसे, इस वाली लाइन को भी यहां तक ठीक है. इसके बाद अब मैं कंटिन्यूअस लाइंस ड्रॉ करूंगा. ये मेरा बटरस थ्रेड है, यहां पे मैं भी लिख दे सकता हूं बटरस थ्रेड, बट इट इज इनकम्प्लीट. अभी इसमें हमें हैचिंग भी करनी है और हमें इसमें डायमेंशंस भी दिखानी है. सबसे पहले हम इसकी हैचिंग करेंगे. हैचिंग उसी पोर्शन की करनी है जो हमने एच पेंसिल से बनाया. Like this. These lines are drawn at an angle of 45 degree. हम usually prefer करते हैं, जब भी हम hatching करते हैं, हम या तो rolling scale से करते हैं या drafter की help लेते हैं.
उससे हैचिंग लाइंस परफेक्ट आती है। ये इसकी हैचिंग हुई। इसके बाद अब मुझे इस थ्रेड की डायमेंशंस दिखानी है, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक पीच डिस्टेंस दैट इज 40 mm, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक इस थ्रेड की डेप्थ वो भी 40 mm, इस थ्रेड का थ्रेड एंगल 45 डिग्री, और यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है 0.125 p, जो 5 mm आता है, 5 यहां से लेके यहां तक, ये भी 5 mm, दिस वॉज अवर नकल थ्रेड, सॉरी बटरस थ्रेड।